अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फूड को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो एक और न्यू राउट बना लेंगे, अपडेट फूड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट पुट, पुट मेथड रहेगा और ये है राउटर। इसमें हमको क्या करना है, सिंपल, पहले चलो एंड पॉइंट बनाना है अपडेट, उसके बाद में आईडी के बेस पे हम इसको अपडेट कराएंगे। और ऑथ मिडलवेयर इसमें लगेगा, सो आप लिखेंगे ऑथ मिडलवेयर और एक कंट्रोलर फंक्शन। तो चलिए एक नीचे हम क्या करेंगे, कंट्रोलर फंक्शन भी बना लेंगे और कमिट आउट कर लेते हैं अपडेट फूड आइटम, और फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट अपडेट फूड कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन, और इसको नीचे एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट भी कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं राउट्स के अंदर और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, अपडेट फूड कंट्रोलर सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फाइल इम्पोर्ट हो जाएंगी। चलते हैं फूड कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे एसिंक कर लेंगे फंक्शन को, एसिंक एरो फंक्शन, फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे, फिर ट्राई कैच ब्लॉक का हम इसमें अगेन यूज करने वाले हैं। कैच के अंदर सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज कंसोल पे प्रिंट करो। उसके बाद में रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500, फिर सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे फॉल्स, फिर मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे जैसे कि एरर इन अपडेट फूड API, और फिर जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे ताकि हमको पता चले कौन सा एरर हमको देखने मिल रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू गेट कर लेंगे फूड आईडी को। तो फूड आईडी फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट प्रॉम्प्ट्स डॉट आईडी, उसके बाद में आईडी को भी चेक कर लेंगे, यानी वैलिडेशन हम कर रहे हैं। इफ नॉट फूड आईडी, अगर फूड आईडी नहीं मिलती है तब क्या करो, यहीं से जो है ना रिटर्न हो जाओ विद रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ फूड 04, फिर सेंड फंक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज भी आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि प्लीज प्रोवाइड या फिर नो फूड आईडी वॉज फाउंड, ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फूड को जो है ना यहाँ पर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे कॉन्स्ट फूड इक्वल टू, अवेट करेंगे हम, और यहाँ पे फूड मॉडल का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फूड आईडी को पास करा देंगे। सो फूड आईडी, इसके बेस पर हम उसको फाइंड कर लेंगे, इसका भी वैलिडेशन देख लेंगे। अगर हमको फूड नहीं मिलता है तब क्या करो, अगेन यहीं से जो है रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ फूड 04, फिर सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज ऐड कर देता हूँ, ये है मैसेज नो फूड फाउंड। वैलिडेशन भी अगर हमारा हो जाता है तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको, यहाँ पे जो है ना फूड को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। तो हमको क्या करना है, कौन कौन सी फील्ड्स को अपडेट करना है, तो वो सारी चीजें हम क्या करेंगे डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चर फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या करेंगे सारी चीजों को गेट कर लेंगे, और जो क्रिएट करते टाइम हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ना सेम वही सारी फील्ड्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। देख सकते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस इमेज URL, तो जो भी इसको अपडेट कराना है वो ऑब्जेक्ट को यहाँ से वो ऐड कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, पास कर लेते हैं इसको। अब यूजर से हमने ये सारी चीजों को गेट कर लिया, इसमें वैलिडेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसके आगे आप जो है वैलिडेटर भी ऐड कर सकते हैं। पहले शुरू हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको अपडेट करने का ट्राई करेंगे। एक न्यू वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट अपडेटेड फूड इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर फूड मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे अवेट भी करना है, अवेट फूड मॉडल, उसके बाद में फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फूड आईडी को पास करा देंगे। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट जिसमें सारा डेटा रहेगा, एक और ऑब्जेक्ट जिसमें हमारे पास रहेगा न्यू की प्रॉपर्टी, और उसको हमको करना है ट्रू, तभी ये अपडेट होगा। और इसमें हम क्या करेंगे जितना भी ऑब्जेक्ट था ना टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस तो रेटिंग तक के क्या करता हूँ मैं सभी को इसमें पास करा देता हूँ पेस्ट। तो ये सारी चीजों को हमको अपडेट करना है, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, तो जो भी वो अपडेट करना चाहे वो कर सकता है। इसके बाद में डायरेक्ट रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200, फिर इसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे ट्रू। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे लिखेंगे फूड आइटम वॉज अपडेटेड, सेव कर लेते हैं इसको, और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पर एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे अपडेट फूड। मेथड रहेगा इसमें पुट,
और हम क्या करेंगे, क्रिएट वाला जो था ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट के अंदर जितना भी डेटा था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपडेट वाले में हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, बॉडी, रॉ डेटा, जेसन, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ हम क्या कर लेंगे, इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना या फिर टाइटल इसका चेंज कर लेंगे। सो मैं सिर्फ टाइटल को ऐड कर लेता हूँ, टाइटल मुझको अपडेट करना है, बर्गर के बाद में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं किंग, और यहाँ पे कॉमा को आप रिमूव कर लें, और फिर हमको हेडर्स के अंदर जो है ऑथराइजेशन भी पास कराना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑथराइजेशन, और बीयरर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट करते टाइम यूज़ किया था ना, तो इसी में का टोकन मैं कॉपी कर लेता हूँ, हेडर्स के अंदर जो टोकन है इसको कॉपी कर लेंगे और अपडेट वाले में पेस्ट कर लेंगे। बाकी बॉडी में सिर्फ हम जो है टाइटल को चेंज कर रहे हैं, इसके बाद में यूआरएल हमको ऐड करना है, गेट सिंगल वाला मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इस अपडेट वाले में पेस्ट कर लेंगे, फूड के बाद में ये है अपडेट, और इसके बाद में है आईडी, तो ये आईडी जो है बर्गर किंग वाली है, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, चेक कर लेते कहाँ पर है, देखिए ये रहा बर्गर की आईडी A0, और यहाँ पे भी बराबर से A0 है, तो चलिए सेंड पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेस ट्रू, फूड आइटम वॉज अपडेटेड। चलते वापस डेटाबेस में, अभी देखिए यहाँ पर ये बर्गर है, अब जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये बर्गर किंग हो चुका है, तो परफेक्टली हमारे अपडेट की क्यूरी भी काम कर रही है। इसी तरीके से आप जो है डिलीट के लिए भी कर सकते हैं, डिलीट भी बहुत सिंपल है, एक और न्यू राउट इसके लिए बना लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं अपडेट को, कॉपी पेस्ट, अपडेट के बदले हम क्या करेंगे इसको कर लेंगे डिलीट, और यहाँ पे भी राउट में डिलीट कर देंगे, और आईडी के बेस पर ही हमको डिलीट करना है, सेम मिडलवेयर भी चाहिए, अब न्यू कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, तो नीचे हम क्या करेंगे कमेंट आउट कर लेंगे डिलीट फूड, और एक न्यू फंक्शन कॉन्स्ट डिलीट फूड कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको, नीचे एक्सपोर्ट भी कर देंगे, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस फूड राउट में, और यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे, इसको कर लेंगे डिलीट फूड कंट्रोलर, सजेशन शो करेंगे उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये इम्पोर्ट हो जाएगा, सेव कर लेते हैं इसको, चलते वापस फूड कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस फंक्शन को भी कर लेंगे एसिंक एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी रिसीव करेंगे। इसके बाद में सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है, ट्राई और कैच ब्लॉक हमको इसमें भी यूज करना है, कैच में सिंपल पहले शुरू कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, फिर रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 500, फिर उसके बाद में यहाँ पर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे फॉल्स, उसके बाद में मैसेज एरर इन डिलीट फूड API, और जो भी एरर ऑब्जेक्ट है इसको एज इट इज यहाँ पर पास करा देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर आईडी को गेट कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट भी आईडी आप पास करा सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट जो है आईडी को पास करा देता हूँ, अलग से डिस्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर डिस्ट्रक्चर करके उसका वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो चलिए वैसा कर लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, या फिर डायरेक्ट भी इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि फूड आईडी इक्वल टू फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट पराम्स डॉट आईडी, इसमें से हमको ये मिलने वाला है, इफ नॉट फूड आईडी, अगर सॉरी इफ नॉट फूड आईडी, फूड आईडी अगर नहीं मिलती है यहीं से रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ फूड 04 डॉट सेंड, सेंड के अंदर सक्सेस कर देंगे कॉल, फिर एक मैसेज, मैसेज में हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि प्रोवाइड फूड आईडी, इसके बाद में हम क्या करेंगे वो फूड को फाइंड भी कर सकते हैं हमारे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कौन फूड इक्वल टू अवेट, फिर फूड मॉडल इसके अंदर फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे फूड आईडी को पास करा देंगे, तो इसके बेस पे ये फाइंड कर लेगा, इसका भी वैलिडेशन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इफ नॉट फूड, अगर फूड नहीं मिलता है तब क्या करो यहीं से जो है ना रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे फॉल्स, और फिर मैसेज यहां पर मैं ऐड कर देता हूँ नो फूड फाउंड विद दिस आईडी, ये एक वैलिडेशन हमने ऐड कर दिया, अब सब कुछ सिनेरियो अगर सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाता है तब हम क्या करेंगे फूड को डिलीट करने का ट्राई करेंगे, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे अवेट करेंगे, फिर हमारे पास है फूड मॉडल डॉट, फिर फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और इसमें हम क्या करेंगे फूड आईडी को पास करा देंगे, तो ये रहा फूड आईडी।
इसके बाद में रिस्पॉन्स हम सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस स्टेटस ऑफ 200, और फिर सेंड फंक्शन, सेंड में सक्सेस कर देंगे तो। और उसके बाद में मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, फूड आइटम डिलीटेड, ये मैसेज हम ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में और क्रिएट फूड में मैं क्या करता हूँ, एक और फूड जो है यहाँ पर बना लेता हूँ और इसका नाम हम रखेंगे टेस्ट फूड, और इसको हम डिलीट करने का ट्राई करेंगे। सेंड पर क्लिक करते हैं तो फूड यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। एक बार देख लेंगे डेटाबेस में, अभी दो रिकॉर्ड है, रिफ्रेश करता हूँ, तीन रिकॉर्ड हो गए और यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट फूड, इसको हम जो है डिलीट करने का ट्राई करेंगे। चलते हैं पोस्टमैन में वापस, यहाँ पर एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेके ऐड रिक्वेस्ट, और इसमें हमको डिलीट करना है तो डिलीट फूड, ये हमने इसका नाम रखा। मेथड है हमारे पास डिलीट, और अपडेट वाला कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे, हेडर सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद में हमको ऑथराइजेशन भी ऐड करना है और टोकन अपडेट में से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ऑल कॉपी बीएलएल टोकन, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे और आईडी हमको चेंज करना है तो आईडी अभी टेस्ट वाली कॉपी करेंगे, ये है सीए कॉपी, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे, सेंड पर क्लिक करता हूँ, ओके यहाँ पर 404 आ रहा है तो कुछ तो मिसिंग है, V1 फूड, अच्छा अपडेट हो गया ये, तो इसका यूआरएल हमारे पास चेंज है ना, ये है डिलीट। अब ठीक है, सेंड पर क्लिक करते हैं, अगेन एरर है, फूड स्लैश डिलीट, एक बार चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें राउट में, ये तो सही है, यही से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आई थिंक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, और आईडी डायरेक्ट है ना तो उसको एज इट इज रखेंगे। अब ठीक है, चलिए सेंड पर क्लिक करता हूँ, अगेन 404 आ रहा है तो कुछ तो दिक्कत है इसमें, डिलीट फूड ही कर रहे हैं ना अपन, कैन नॉट डिलीट, मेथड टाइप तो डिलीट ही है ना, अच्छा यहाँ पर मेथड टाइप भी हम भूल गए, ये है मेथड टाइप डिलीट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस पोस्टमैन में, इस बार ये काम करेगा, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए सक्सेस ट्रू, फूड आइटम डिलीटेड, और यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है मगर मैसेज है तो आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। चलिए डेटाबेस में एक बार टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर तीन है अभी, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए दो ही डॉक्यूमेंट अपने पास है, बर्गर किंग और फिर चिकन सूप, एक बार इसको वापस से रिट्राई करके देख लेंगे, वैलिडेशन मैसेज मिलता है नहीं, सेंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए नो फूड फाउंड विद दिस आईडी, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है, तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर अपडेट और डिलीट की फंक्शनैलिटी देख ली है।